चौपाल में आज हम जानते हैं यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग डॉक्टर्स लॉबी है यहाँ पे, और जानना चाहता हूँ मैं 2024 के चुनाव में इन लोगों की क्या जनता की राय है, और खासकर ये लोग बुद्धिजीवी हैं, ये डॉक्टर वर्ग हैं, आइए जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइए 2024 के चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि पता है 2024 का चुनाव बहुत जल्दी घोषित होने वाला है, और हम इस सरकार से काफ़ी खुश हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा मोहल्ला सब कुछ इसी तरह तरक्की करता रहे, जिससे हम वर्ल्ड के मैप में भी हमारा नाम दर्शित होता रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार बहुत अच्छा है, इस बार 400 पार जाएगा। 400 पार जाएगा, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले की महामंत्री हूँ अनीता मिश्रा, और जो महिलाओं के लिए ये सरकार सुरक्षा दी है वो कहीं ऐसा न होगा, न आने वाले टाइम में था न होगा। हम लोग यही कहेंगे कि इस बार तो इतना जबरदस्त का मतलब मोमेंट बनेगा कि 400 के पार नहीं, अगर हम लोग का चले तो पता नहीं कितना गुना पार करें। इतनी अच्छी सरकार दिया है महिलाओं के लिए, मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रखी, जो पहले नहीं था वो अब है। महिलाएं अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, किसी प्रकार का किसी पे कोई नहीं है, फाउंडेशन या किसी। आप क्या कहना चाहते हैं? 400 पार जाएगी इस बार मोदी सरकार। 400 पार, जी सर। किन मुद्दों पे 400? सर इनका बहुत सा मुद्दा है, इनके आयुष्मान कार्ड है, और लोगों का जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना निकाली है, जैसे कि क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना है, और बहुत से कार्य हैं इनका, जो कि उसके देखते हुए जो 440 के पार जानी चाहिए कि इस बार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि 400 पार जाएगा, और जो कार मोदी का है बहुत बढ़िया है। आप एक युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्होंने किया? तो एक तो वैकेंसी भी निकालते हैं हर तरह से, जो भी वैकेंसी आती है उसको फॉलो होता है, और आगे भी इसी तरह से करते हैं, और अच्छा। मैंने इस सरकार से आप खुश हैं? हाँ। मैंने दूसरी सरकार की चुनाव आप नहीं करना चाहते? नहीं सर हम। आप क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं इस बार भी बीजेपी सरकार आए। बीजेपी सरकार जी। आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ हमारे सामने सिक्योरिटी गार्ड जी, आप भी बताइए। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार अनंतर जीतती रहे और देश का नाम रोशन करता रहे। हमारे जैसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको ऐसा मिला है जो हमारे देश का नाम आगे कर रहा है। दूसरी सरकार क्यों नहीं देखना चाहते हैं? दूसरी सरकार इसलिए देखना नहीं चाहते हैं कि बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है, गरीब तक पहुंच रहा है, योजनाएं पहुंच रही हैं, किसानों का भी ध्यान दिया जा रहा है, मजदूरों का भी ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बढ़िया काम क्या है, धारा 370 को खत्म किया, 33% आरक्षण उसमें लोकसभा में दिया, राज्यसभा में दिया, और दूसरी चीज महिलाओं को सब आधार कार्ड से जोड़ दिया है, जो पैसा बिचवानी लोग खा जाते थे अब उनके कार्ड में जा रहा है। हर गांव में कोई ऐसा नहीं बचा है जहां शौचालय न मिला हो, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां कच्चा घर गिर गया हो और उसने बनाया ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है अब जल का चल रहा है। तो हम तो गांव में रहते हैं, गांव में जाता हूं, तो हर घर में नल लग रहे हैं, और हो सकता है कि चुनाव के पहले पहले 80% गाँव में जल का प्रवाह होने लगे, शुद्ध जल लोगों को मिलने लगे। जो लोग महिलाओं को शौचालय दिया, जो सम्मान का विषय था, किसी खेतों में जाती थी उनको लोग कभी कभी गड़बड़ हो जाता था, गलत भावना से लोग देखने लगते थे, तो अब वो सम्मान से अपना अपनी इज्जत से जा रही हैं। राशन कार्ड का सबसे बढ़िया काम किया कि कोई विदेश में रहता है, देश के किसी दूसरे प्रांत में रहता है और गरीब है, मजदूरी कम मिलती है, तो राशन कार्ड उसको वहाँ भी मिल जाता है। इससे अच्छा और क्या चाहिए इस सरकार से, और हमारा देश में नाम हो रहा है। जब जब हमारे देश के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए, हमारे प्रधानमंत्री कोई वहाँ गड़बड़ हुआ, कोई युद्ध हुआ, जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत ध्यान दिया। ऐसा प्रधानमंत्री आता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, आप बताइए डॉक्टर साहब। जी निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है, जो आप कह रहे थे कि आप कैसे सिर्फ मोदी जी को ही लाना चाहते हैं, हमने पुरानी कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कोई भी विकास का कार्य नहीं होता था, कोई उनका इनोवेटिव उनके पास आइडियाज नहीं थे कि किस तरह से हम विकास करें। आज चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे हमारी सुरक्षा में नित नए राफेल जैसे विमान खरीदे जा रहे हैं, DRDO तमाम एक ऐसे अन्वेषण कर रहा है जिनमें अग्नि जैसी मिसाइलें फिर से बन रही हैं, और हम आज चंद्रमा पर जा पहुँचे हैं। तो सारे काम आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष की इकोनॉमी ले लीजिए, जहाँ 5वें स्थान पर गई है, आगे मोदी जी का कहना है कि हम 3रे स्थान पर ले जाएंगे, और निश्चित 3रे स्थान पर जाएगी हमारी इकोनॉमी।
तो आप ये देखिए कि मोदी जी के अलावा कोई काम कर नहीं सकता। आज मोदी जी ने विकास की इतनी लंबी बड़ी लाइन खींची है कि उनसे बड़ी लाइन कोई किसी खींचने की क्षमता है नहीं। तो निश्चित मोदी जी फिर से आएंगे और मोदी जी 400 के पार जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ले जाएंगे। डॉक्टर साहब फिर आप एक बार आप हम ये चाहेंगे कि मोदी जी ने हर क्षेत्र में ध्यान दिया और हर क्षेत्र के लोगों को, हर तबके के लोगों को ध्यान दिया। उन्होंने किसी भी, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो या हम, उसका भी ध्यान दिया कि वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा खा सके, किसी के आगे हाथ न फैलाए। अपना जैसा कि कोरोना में दिया कि आज तक उनके लिए फ्री भोजन जा रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि कोई भी भूखा मरने ना पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे देश विदेश में भी नाम हो रहा है कि वो हर क्षेत्र में, हर कंट्री से, हर आदमी से बड़े अच्छे से मिलते हैं। और हमारा जैसा कि पता है कि हर देश से बड़े अच्छे संबंध हो, वहाँ भले लड़ाई चल रही हो लेकिन हमारे दोनों देशों से, मतलब कह रहे हैं कि दोनों अपोजिट पार्टियों से भी हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा चल रहा है व्यवहार। और इसके लिए हम मोदी जी जैसे लोगों को चाहेंगे कि ये हमेशा बने रहें और भगवान इनको दीर्घायु दे। एक बार फिर से आप बताइए, चौपाल में आप अभी बोल रहे थे तो ये बताइए, महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ रही है लेकिन साथ साथ पगार भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब विकास के काम होंगे तो थोड़ी बहुत तो महंगाई में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है कि उसको सहन न किया जा सके। और धर्म के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? धार्मिक स्थल ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारे गुलामी के चिन्ह हैं उनको हटाया जा रहा है। जो हम लोग 2 साल हम लोग गुलाम रहे, हमारा एकदम वो हिंदुत्व का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो राम मंदिर तो हम लोग ऐसा ही छोड़ दिया था कि अब बनेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बनवा दिया। और काशी का भी वो कर दिया विकास, हमारा उसको महाकाल का जो है वहाँ का भी विकास हुआ है, मथुरा का भी कॉरिडोर बनना है, हमारे यहाँ प्रयागराज में भी विकास हो रहा है। तो धार्मिक बढ़िया वो कर रहे हैं और सही सभी धर्मों का कर रहे हैं, केवल हिंदू धर्म का ही नहीं कर रहे हैं, सिखों का भी उन्होंने बराबर ख्याल रख रहे हैं, मुस्लिमों का भी ख्याल रख रहे हैं। अब उसमें से कुछ लोग रहते हैं जो विरोध करते हैं, वो नगर लोग हैं, उनकी संख्या कम है। हमारे प्रधानमंत्री जीतेंगे और 400 के पार जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग प्रयागराज से आते हैं, हमारे प्रयागराज का विकास इतना ज़ोर से हुआ और उसके बाद यहाँ पे 10 सालों में जो हमारे यहाँ यातायात की सुगमता नहीं थी, हमेशा जाम लगा रहता था, लेकिन उसको उन्होंने इतने बारीकी से और हर तरह चौराहों को बड़ा किया। और उसके बाद हमारी जो रोड मैप है उसको नितिन गडकरी साहब ने इतना बढ़िया तैयार कर दिया कि पूरे देश में कहीं भी आप जाएँ तो आपको सुगमता से सब जगह पहुँच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, और उसके बाद कृषि क्षेत्र में देखिए, चारों तरफ चौतरफा विकास हो रहा है। और जैसे कि ये भाई साहब ने कहा कि मंदिर जो बना, तो मंदिर में तो वाकई में सब लोगों ने आस ही छोड़ दिया था, खैर राम मंदिर ही नहीं, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो कि जिसका जीर्णोद्धार न हो रहा हो और उसके मंदिरों का पुनरुद्धार न हो रहा हो, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और अच्छा, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, सब लोग अपने धर्मों में जुटे हुए हैं, सब लोग जो पार्कों की साफ़ सफाई है और रोड की सफाई है, और उसके बाद जितने हमारे युवा हैं, सब युवा लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनके में हर जगह पे परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं हो करके जो लोग सपा सरकार को ले लीजिए, उसमें इतनी नकल होती थी, अब नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं जिससे बच्चों का विकास हो रहा है। बौद्धिक विकास होना बहुत आवश्यक है, नकल विहीन परीक्षा महिलाओं के लिए। मोदी सरकार हमारे लोगों के लिए बहुत सुविधाएं किए हैं, एक तरफ से सब चीज के लिए सुविधा किया है, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी किया है। किस तरह की सुविधा? जैसे हम लोगों का घर और के लिए भी किया है और गाँव में लैट्रिन बाथरूम बनवाया है, सिलेंडर दिया है, ये सब चीज किया है। कुछ महिलाएं उधर भी हैं करीब, आप बताएं फिर से। मोदी सरकार तो बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए, सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। जिस तरह महिलाएं पहले परेशान होती थी उससे तो कम से कम उनको सुरक्षा मिली है। गांव में भी हर जगह राशन कार्ड, गरीब अमीर सब के लिए उन्होंने किया, सबसे ज़्यादा गरीबों को उन्होंने ज़्यादा मदद की कि कम से कम उन्हें दाल रोटी तो 2 समय का आसानी से मिल जा रहा है ना। कोरोना काल में तो भूखे मर रहे थे लोग। मोदी सरकार रहे, ठीक रहे। मोदी सरकार ठीक है। कैसे ठीक है? 2024 का चुनाव आ रहा है, आगाज हो चुका है, जी ठीक है। मोदी किसको वोट देंगे?
हम भाजपा कमल को फूल कर देंगे। कमल के फूल क्यों देंगे? कमल को फूल इसलिए गरीबों को ध्यान दिए हैं, हर चीज के लिए। गांव में जो मीटर नहीं लगता था वो मीटर लग गया। और कभी जो आदमी नाली साली के लिए खंभा करने के लिए रोते थे, खंभा पहुंच गया गांव में, इसलिए आप मोदी जी को वोट। हाँ, मोदी को वोट देना। इस चौपाल में निष्कर्ष ये निकल के आया कि मोदी की काफी यहाँ प्रशंसा देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि इस बार 2024 के चुनाव में मोदी ही सरकार को हम चुनेंगे। प्रयागराज से सुनील बच्चन, चौपाल।